परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी विधानसभा में कहा कि लोगों के ऋण चुकाने का सही वक्त आ गया है। कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल में गुटबाजी के चलते उनके क्षेत्र में विकास नहीं किया गया। क्षेत्रवासियों के छोटे छोटे कार्य में हमेशा अड़ंगा लगता रहा। उन्होंने कहा, राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने हमेशा बाधाएं खड़ी की हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में गुटबाजी के चलते उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कहने को तो वे 15 महीने कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन राजनीति के कारण उनके क्षेत्र में हर छोटे बड़े कार्य पर अड़ंगा लगाया गया। उन्होंने कहा, सुर्खी क्षेत्र की जनता के साथ उनके वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। बड़ी आशा और उत्साह से क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन उनके छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में किसान, नौजवान, गरीब की चिंता सबसे पहले की जा रही है। गोविंद सिंह ने कहा, जनता के आशीर्वाद से मैं प्रदेश सरकार में मंत्री हूं और प्रत्येक व्यक्ति का ऋण चुकाने कटिबद्ध हूं। राजपूत ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के भूमि पूजन की बधाई देते हुए कहा कि आज हर भारतीय का सपना पूरा हुआ है। 14 लाख रुपया की नल योजना स्वीकृत की है, 50 लाख का मंगल भवन शादीगृह स्वीकृत किया है, इसके पहले भी करीब 1 करोड़ रुपए काम पहले स्वीकृत किए हैं। तो क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क चल रहा है, इसके साथ साथ सेक्टरों की हमारी मीटिंग भी थी, क्योंकि अब चुनाव सामने हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता अपना पूरी कमर कस के पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव उतरने को तैयार है। काल में 51,000 रुपया की राशि घोषणा की थी बच्चियों की शादी के लिए, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं मिली। यहाँ तक कि कई जगह तो हमने देखा कि बच्चियों की शादी हुई और बच्चियों की शादी के बाद उनके द्वारा बच्ची हो गई, लेकिन 51,000 रुपया के लिए आज ही भटक रहे हैं। इसलिए भाजपा का कहना है कि हम झूठी घोषणा नहीं करेंगे, जो हमारा पैसा था वही पैसा मिलेगा। इस बात का अभी पुख्ता सबूत नहीं है, ये मंत्री ने कहा है। मंत्री जी ने अभी कहा कि हम ऐसा करेंगे, जिस दिन घोषणा होगी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री राम भक्तों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाले लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। कांग्रेस ने राम मंदिर के नाम पर ढोंग किया, कांग्रेस आत्मा से कभी भी राम मंदिर बनवाने के पक्ष में नहीं रही। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।